YouTube/कमनखाना से मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ क्यों किचन में खड़ी हूँ मैं। पहले भी तो आप देखते हैं मुझे किचन में खड़ा हुआ, लेकिन आज मेरे घर में आए हुए छोटे छोटे बच्चे। कभी कभी क्या होता है ना, मैंने कुछ खास बनाया नहीं होता और छोटे छोटे परिवार के बच्चे आ जाते हैं, बहुत ही छोटे इन्फेंट्स भी होते हैं, 4 साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं, 1 साल के होते हैं, क्या किया जाए। तो मेरे दिमाग में फटाफट आया, बच्चे जो कमजोर भी होते हैं, जो पतले भी होते हैं, उनको क्या खिलाया जाता है। उनको खिलाया जाता है गरम गरम चावल में मक्खन। अब मक्खन आप घर में निकाल लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और मक्खन अगर नहीं है बाजार से लाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए कैसे मिलाना है चावल में, गरम गरम चावल में मक्खन, बड़ी सिंपल सी बात है, सिखा देती हूँ और खिला देते हैं बच्चों को। तो ये चावल है हमारे पास और ये मैंने मक्खन लिया हुआ है। तो चलिए मैंने ये मक्खन जो है वो चावल में डाल दिया। अब चावल इतने गरम गरम है कि मक्खन का जो स्वाद है ना, अभी थोड़ा सा ही लिया मैंने क्योंकि एक छोटे से बेबी को ये खिलाना है मुझे, और जो बड़े बेबीज हैं वो रोटी वगैरह खाएंगे, लेकिन ये जो छोटा वाला बेबी है ना, जो 8-9 महीने का है, साल भर का हूँ, भले आपके बच्चे भले 2 साल के, उनको इस तरह से मक्खन डाल के आप चावल में खिला सकते हैं। इसको कुछ और डालने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ यही मक्खन वाला चावल आप खिला दें, चाट चाट के खा जाते हैं छोटे बच्चे, उनको बहुत मजा आता है और ये पूरा पूरा खा जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए मैं बाद में आपको बताऊंगी, कमेंट्स में बताइएगा आप कि ये झटपट रेसिपी आपको कैसे लगी। हमेशा से इंतजार रहता है कि आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, वो भी कर दो, और साथ साथ में बस अब ये मेरा चावल तैयार है, चलिए उस बेबी को खिलाने के लिए मैं जा रही हूँ। चलो मेरे पे कैमरा आ जाओ जरा। तो मैं काम ही नहीं करना, हमेशा आप लोगों को झटपट रेसिपीज भी बताती रहती हूँ कि छोटे बच्चे, उससे बड़े बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो भी, उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल भी गरिष्ठ खाना नहीं खाना चाहिए, कभी कभी मैं थोड़ा सा चीटिंग करती हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आपको हमेशा हेल्दी फूड बताती हूँ ना, कमेंट्स में लिखिए। ओके, फिर मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड।